हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं फिर से आ गया हूँ एक वीडियो के साथ। तो आज जन्माष्टमी का स्पेशल फोटो एडिटिंग हम सिखाएंगे। आप लोग भी पूरा ट्यूटोरियल देखेगो तो आप लोग भी सीख जाओगे, ओके। तो आज हम लोग देखेंगे, आप लोग देख ही सकते हो, इस तरह का फोटो एडिटिंग आज हम लोग सीखेंगे। तो पहला इमेज देखने से आप लोग चौंक जाओगे जे इस इमेज से कैसे करके फोटो एडिट होता है, ओके। तो आप लोग देख ही लो, देखिए ये था एक इमेज, ओरिजिनल इमेज। तो आफ्टर एडिटिंग करने के बाद देखिए ये वाला लुक आ गया है, ओके। तो आप लोग ये ट्यूटोरियल जो ये एडिटिंग सीखने चाहो तो हमारा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखो, ओके। और एक बात हम बोलूँगी कि ये ट्यूटोरियल हम पूरा का पूरा हम बोल के नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि ये एडिटिंग करने के लिए हमको एक घंटा से ज़्यादा टाइम लग गया है। तो इसीलिए पूरा मैंने डिटेल्स बात करके बोलूँगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, आप लोग भी बोर हो जाओगे, ओके। तो आप लोग का टेंशन का कोई बात नहीं है, हम जो जो स्टेप हम करेंगे हम बोल देंगे। तो आप लोग ज़रा ध्यान से देखिए, आप लोग भी सीख जाओगे, ओके। तो कोई प्रॉब्लम होने से हमको कमेंट करके बोल सकते हो, मैं ज़रूर बता दूंगी, ओके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट ना किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, देखिए सबसे पहले मैंने एक डॉक्यूमेंट ले लिया है। तो डॉक्यूमेंट साइज हम जो डॉक्यूमेंट लिया है तो आप लोग देख ही सकते हो, 2019 एंड हाइट देखिए 1381 रख के मैंने ओके किया, ओके। तो कोई कलर मैंने ले लिया है। तो सबसे पहले हमको क्या करने होगा, जो हमारा जो चाइल्ड है ना, ये चाइल्ड को हम लोग सिलेक्शन करेंगे, ओके। तो पेन टूल का मदद से फटाफट से मैंने सिलेक्शन कर लेता हूँ, ओके। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो इमेज हमारा कट हो गया। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ह्यू सैचुरेशन से हम लोग टोटल कलर करेंगे। तो लॉर्ड कृष्णा का जो गाय का कलर क्या होता है तो नीला होता है, तो नीला कलर हम लोग करेंगे ह्यू सैचुरेशन का मदद से, ओके। ओके, हमारा तो कलर हो गया। तो इसके बाद जो आई और जो लिप है, लिप का कलर हम लोग इरेज करेंगे, ओके। ओके गाइस, देखिए हमारा जो इधर लिप एंड आई हम लोग इरेज कर लिया है। तो इसके बाद हम लोग एक एक करके ज्वेलरी ऐड करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो हेयर ऐड करेंगे, देन आप हमारा जो ज्वेलरी है, टोटल ज्वेलरी हम लोग ऐड करेंगे। तो आप लोग ज़रा ध्यान से देखिए, आप लोग भी सीख जाओगे, ओके। ओके गाइस, आप लोग देख ही सकते हो हमारा टोटल इमेज इधर कंप्लीट हो गया। और भी थोड़ा सा बैकग्राउंड हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे, थोड़ा सा कलर को हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे, ओके। तो ये सबसे पहले क्या करेंगे, जो लेयर हमारा देखिए बहुत सारा लेयर इधर आ गया है, तो सब पूरा लेयर को हम लोग ग्रुप कर लेंगे, ओके।
तो कंट्रोल जी करके मैंने ग्रुप कर लिया। देन थोड़ा सा कलर एडजस्टमेंट करेंगे एंड कलर बैलेंस से। ओके, तो कलर बैलेंस में जाके क्लिप मैंने ऐड कर दिया, थोड़ा सा हम लोग कलर को एडजस्टमेंट करेंगे। तो इसके बाद देखिए हम लोग इधर एक बैकग्राउंड मैंने क्रिएट करके रखी हूँ। तो कुछ नहीं मैंने किया, देखिए 2-3 इमेज मैंने इधर लेके रखी हूँ, तो बहुत टाइम लग जाएगा इसीलिए मैंने क्रिएट करके रखी हूँ। देखिए ये वाला एक मैंने बैकग्राउंड लिया है एंड देखिए इधर एक देखिए मैंने एक एक्स्ट्रा एब्स्ट्रैक्ट कलर मैंने लेके और ओवरले मैंने कर लिया। देन देखिए इधर एक बेस भी मैंने ले लिया, एक ग्रेस का बेस था एंड इधर कलर करेक्शन मैंने किया। ओके, तो इसके बाद देखिए इधर एक लाइट मैंने क्रिएट किया, ये वाला लाइट एक तो क्रिएट किया, सिंपल सा बैकग्राउंड मैंने क्रिएट कर लिया। ओके, तो इससे बाद हमको क्या करना होगा, देखिए थोड़ा सा हमको एडजस्टमेंट करेंगे हम लोग कलर को। तो इसीलिए हम लोग एक न्यू लेयर ले लेंगे एंड इधर एक शैडो हम लोग क्रिएट कर लेंगे। ओके, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए कुछ इधर फ्लावर हम लोग ऐड करेंगे एंड देखिए इधर जो पीकॉक का जो फेदर है, फेदर थोड़ा सा हम लोग ऐड कर लेंगे। ओके, तो आप लोग देखते रहिए। ओके गाइस, देख सकते हैं हमारा टोटल इमेज इधर क्रिएट हो गया है। तो इसके बाद थोड़ा सा हम लोग कलर करेक्शन कर लेंगे कैमरा रॉ का मदद से। ओके, तो इसीलिए हमको एक स्नैप इमेज हमको चाहिए। तो टोटल इमेज को मार्च करने के लिए मेरा कीबोर्ड का कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ऑल प्लस ई मैंने प्रेस किया, मार्च इमेज आ गया। देन हम लोग जाएंगे फिल्टर, देन कैमरा रॉ फिल्टर। ओके, तो कैमरा रॉ फिल्टर का मदद से थोड़ा सा कलर करेक्शन हम लोग कर लेंगे और भी अच्छा लगेगा इमेज को। ओके, तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं। तो आप लोग देख ही सकते हो फाइनल आउटपुट हमारा क्रिएट हो गया, तो बहुत ही अच्छा एक लुक आ गया। आप लोग देख ही सकते हो कौन सा इमेज था, तो एडिटिंग करने के बाद देखिए कौन सा इमेज क्रिएट हो गया। ओके, तो और भी एक थोड़ा सा हमारा काम बाकी है, तो इसीलिए एक न्यू लेयर मैंने ले लूँगी। थोड़ा सा पिंक टाइप का कलर हम लोग ले लेंगे एंड ब्रश टूल सिलेक्शन करेंगे, सॉफ्ट ब्रश सिलेक्शन करेंगे। देन इधर देखिए तो थोड़ा सा हम लोग इधर कलर ऐड करेंगे, सॉफ्ट लाइट कर देंगे एंड ओपेसिटी थोड़ा सा हम लोग कमा देंगे। ओके गाइस, आप लोग देख ही सकते हो बहुत ही अच्छा एक सुंदर सा लुक इधर क्रिएट हो गया है। थोड़ा सा इमेज को हम लोग और भी क्लैरिटी ऐड कर देंगे, इसीलिए ब्लेंड मोड चेंज करके लिनर लाइट, देन फिल्टर, देन अदर, देन हाई पास। ओके, तो फाइनल आउटपुट देखिए क्रिएट हो गया, बहुत ही ग्लेजी देखिए इमेज इधर क्रिएट हो गया। तो आप लोग देख ही सकते हो फाइनल इमेज हमारा क्या था। तो आफ्टर एडिटिंग करने के बाद देखिए हमारा ए वाला लुक आ गया है। ओके, तो मैंने दिखाता हूँ, देखिए फाइनल इमेज मेरा जो प्रीवियस इमेज कैसे था। ओके, आप लोग देख ही सकते हो फाइनल इमेज गाइस, देख ही सकते हो आप लोग, तो इस तरह का एक फ़ोटो था। तो आफ्टर एडिटिंग करने के बाद देखिए आप लोग इस तरह का फ़ोटो क्रिएट हो गया। सो गाइज, आई होप कि ट्यूटोरियल आप लोग का पसंद आइए होगा। ट्यूटोरियल बहुत ही लंबा हो गया, आप लोग ये इस तरह का फोटो एडिटिंग सीखने चाहो तो थोड़ा सा टाइम देके वीडियो देखना पड़ेगा। तो ये वीडियो अच्छा लगी है तो एक लाइक करो, बहुत मेहनत से वीडियो बनाता है किंतु बट आप लोग लाइक नहीं करते हो, तो प्लीज़ हमको सपोर्ट करो और भी हमको थोड़ा सा मोटिवेट करो। एक तो लाइक होने से हमका थोड़ा सा मोटिवेट मिलेगा और नया नया फोटो एडिटिंग बनाने के लिए। ओके, तो और भी एक जो और बहुत सारा फोटो एडिटिंग आने वाला है, तो इसीलिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करो, तो बहुत सारा फोटो एडिटिंग आने वाला है। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं न्यू फ्रेश वीडियो के साथ। तो इस और जरूर आपका दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। ओके, एक तो कमेंट करके बोल सकते हो वीडियो कैसा लगा, और मेरा फेसबुक एंड इंस्टाग्राम का लिंक मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, आप लोग जाके फॉलो कर सकते हो। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं न्यू फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।